अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे जी एक क्रोशे से बना हुआ हेड बैंड। बहुत ही सादा और आसान पैटर्न के साथ आज ये हेड बैंड बनाएंगे जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। यहाँ पे मैं ये सिंपल चेन्स बना रही हूँ जो बेस होती हैं किसी भी पैटर्न का। फाउंडेशन चेन्स की लेंथ आपने अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग रखनी होती है कि आप कितना लंबा हेड बैंड चाह रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि चेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। मैंने टोटल 60 चेन्स की लेंथ बनाई थी और अब ये मैं सेकंड रो पे काम करना शुरू कर रही हूँ। सेकंड रो में मैंने बैक लूप पे हाफ डबल स्लिप नॉट किया है जिससे बहुत खूबसूरत लुक आएगी। अगली रो बनाते वक्त हमेशा ये ख्याल रखना होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा चेन लेनी होती है। एक्स्ट्रा चेन लेके फिर आपको अपना काम जो है वो टर्न करना होता है। तीसरी रो में भी मैंने सेकंड रो की तरह बैक लूप पे हाफ डबल स्लिप नॉट किया है, उसी पैटर्न को कंटिन्यू किया है। मेरी अम्मी क्रोशिया के डिज़ाइन बनाया करती थी कि स्पीड भी बहुत तेज़ होती थी और महारत भी बहुत थी मैं अपने काम में। बहुत से दुपट्टों पे, बेड शीट्स वगैरह पे वो डिज़ाइन बनाया करती थी। अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए बैक लूप पे हाफ डबल स्लिप नॉट के साथ ही मैं पूरा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल कर लूँगी।
एक तीसरी रो तो मेरी बन गई थी और बहुत खूबसूरत बनी थी, लेकिन अब इसमें एक गड़बड़ क्या हुई है कि मेरे कैमरे का फोकस जो है वो बिल्कुल आउट हो गया था। बहुत कोशिश की मैंने एडिट में भी इसको सेट करने की, लेकिन नहीं हुआ तो मैंने फिर ऐसे ही जाने दिया। और ये मैं अपने पैटर्न की आखिरी रो बना रही हूँ। मुझे इतनी ही चौड़ाई पसंद थी तो मैंने इतनी ही रखी। लास्ट स्टिच लगा के पैंट पे थोड़ी सी लंबी ऊन छोड़नी होती है, क्योंकि इसको ही काम में ला के आगे हम इस पैटर्न को स्टिच करना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि अगर एक भी साइड छूट गई और बराबर भी ना रही तो जो आपके प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। ये क्रोशी की नीडल है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसी में आपने वो बची हुई ऊन डालनी है और ध्यान से चारों कोनों को सीना है। ये ख्याल लाजिम रखना है कि हर बार सुई के अंदर जो है वो चारों हिस्से बराबर से आए। और बस इसको पलट लें और ये देखें, बहुत खूबसूरत सादा और एलिगेंट सा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।